तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसके पहले की तीन वीडियोस में हमने जाना वैट क्या होता है, फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में परचेज और परचेज की एंट्री की, और उसके बाद के वीडियो में सेल्स की एंट्री की। परचेज की एंट्री में हमने लेजर्स क्रिएशन के साथ साथ वाउचर एंट्री भी की, और सेल्स में भी हमने लेजर क्रिएशन के साथ वाउचर एंट्री कर ली। अब जो इसका फाइनल स्टेप बचता है वो है पेमेंट की एंट्री या एडजस्टमेंट की एंट्री। तो आज हम वही करने वाले हैं, और अगर आप पूरा अच्छे से वैट सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, जिससे आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। और वैट जो है, क्योंकि आप जीएसटी आ चुका है तो वैट की वैल्यू कम हो गई है, बट सिर्फ इंडिया में कम हुई है। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं जाना चाहते हैं और वहाँ कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैट आना भी बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में भी अभी भी बहुत सारी जगहों पर वैट का यूज़ हो रहा है। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ उज्मा परवीन, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल CKC यानी कंप्यूटर नॉलेज सेंटर। यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग में आपको टैली पढ़ा रही हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर टैली स्टार्ट है। अगर आपको अकाउंट्स में, कंप्यूटर में या टैली में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप हमारी वीडियोस के थ्रू बिल्कुल स्टार्टिंग से टैली अच्छे से सीख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मंथ से मैं ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ओ लेवल या टैली में इंटरेस्टेड हैं। उसके आगे मैं आपको प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह भी सिखाने वाली हूँ। ओके, चलिए फिर हम चलते हैं टैली पर और सीखते हैं वैट में पेमेंट की एंट्री। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी टैली स्क्रीन पर, और पेमेंट की एंट्री के लिए हमें सबसे पहले जाना है, हमें पहले तो वही कंपनी ओपन कर लेनी है जिसमें हमने परचेज और सेल किया हुआ है। फिर हमें जाना है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट में। हम ओ भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे वैट, और फॉर्म वैट 24 पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा कुछ आता है। पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेट्स की वजह से, ठीक है? तो डेट्स का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 पड़ी हुई है, इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, एस्केप प्रेस करते हुए बाहर आते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर करंट पीरियड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो एंट्रीज़ की थी वो 20 और 21 में की थी। तो हम यहाँ पर करंट पीरियड चेंज कर लेते हैं ऑल्ट F2 प्रेस करके, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 नहीं 20 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 2020 की जगह 21 हो जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम डिस्प्ले में जाते हैं और स्टेटरी रिपोर्ट में जाते हैं और वैट में जाते हैं। ओके, यहाँ पर जितने भी लेटर्स रेड हैं हम उन्हीं को प्रेस कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म वैट 24 में वी प्रेस किया हमने। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्रीज दिखा रहा है वो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक की ही दिखा रहा है। तो हमने जुलाई में किया था, और मोस्टली वैट का पेमेंट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में होता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑल्ट F2 प्रेस करके यहाँ पर 1 अप्रैल रहने देते हैं, और यहाँ 17 कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाता है हमारा जुलाई। ओके, तो जुलाई तक में हमने जो एंट्रीज की थी अब वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये हमारी सेल्स की एंट्री है, और यहाँ हमारी परचेज की एंट्री है, और हमारा जो वैट आ रहा है, वैट पेबल, बैलेंस वैट पेबल, वो है 32 रुपीज़ 34 पैसा। ओके, तो हम अगर चाहें तो टैक्सेबल जो लिखा है सेल्स में, हम एंटर प्रेस करेंगे
तो यहाँ हमें और डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। फिर इसी तरह हम परचेस के टैक्सेबल में जाकर करेंगे तो हमें यहाँ पे भी और डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। अगर हम इनके ऊपर एंटर प्रेस करते हैं जहाँ पे 5% लिखा हुआ है, परचेस टैक्सेबल 5%, तो यहाँ पर हमें पूरी एंट्री भी दिखाई देगी। पेप्सी जो है वो हमने 20 पीसेस ख़रीदे थे 700 पर कैरेट के हिसाब से। जैसे कि हम जानते हैं 1 कैरेट में 24 पीसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से 20 पीसेस का जो अमाउंट हुआ था वो 583 रुपीज़ 45 पैसे था। और अरहर की दाल जो परचेज़ की थी वो 20 kg थी, और 20 kg 100 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 2400 की थी। तो टोटल हमारा ये अमाउंट जो हुआ वो 2983 रुपीज़ 45 पैसे का था। जब हमने 5% का इस पर वैट लगाया तो ये 29 रुपीज़ 17 पैसे आ रहा है पेप्सी पर, और जो दाल पर है वो 12% है, वो 288 रुपीज़ आ रहा है। ओके, तो जब हम इसको स्केप करके बाहर देख सकते हैं, इसका टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, ये है हमारा 317 रुपीज़ 70 पैसे। ओके, इसी का ये टोटल यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं परचेस का, अगर हमें परचेस की एंट्री सेल की एंट्री में देखना हो तो हम सेल की एंट्री देखते हैं और एंटर यहाँ प्रेस करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 पीसेस जो है हमने सेल किए हैं, जो 900 पर कैरेट के हिसाब से 750 रुपये 15 पैसे का किया है हमने सेल। और अरहर की दाल जो है वो 20 kg 130 रुपीज़ की 2600 इसका अमाउंट था। तो यहाँ 5% के हिसाब से 37 रुपीज़ 51 पैसे आ रहा है पेप्सी पे, और 12% के हिसाब से 312 रुपीज़ आ रहा है अरहर की दाल पे। तो टोटल मिलाकर हमारा जो अमाउंट, अगर हम वैट देखना चाहते हैं तो बैक स्पेस करके बाहर आएंगे, और यहाँ देखिए हमें दिखा रहा है 349 रुपीज़ 51 पैसे। यानी कि जब हमने सेल किया था तो हमें 349 रुपीज़ 51 पैसे वैट मिला है, और जबकि जब हमने पेड किया था तो हमने 317 रुपीज़ 17 पैसे वैट पेड किया था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा वैट पेबल है। अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है अच्छे से तो मैं इसे आपको जूम करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखिए सेल टैक्सेबल जो है वो 5% 750 रुपये की हुई थी सेल, और उस पर जो वैट यानी टैक्स लगा था वो था 37 रुपये 51 पैसे, और जो 12% के हिसाब से हुई थी वो थी 26 रुपये, और उस पर जो वैट लगा था वो था 312 रुपये टोटल। तो इन दोनों को मिला के हो गया है 349 रुपीज़ 51 पैसे। ये सेल्स टैक्स है, यानी कि जो हमें कस्टमर से मिला है, और जबकि जब हमने परचेस किया था उस टाइम पे 583 रुपीज़ 45 रुपीज़ का पैसे का हमने से परचेस किया था, जिस पर 29.17 रुपीज़ का हमें वैट देना था, हमने दिया था। और जो 12% के हिसाब से सेल हुई थी उसमें 2400 की सेल हुई थी, और 288 रुपये हमारा वैट हमने दिया था, यानी कि टोटल हमने कितना दिया था 317 रुपये। तो जब हमने परचेस किया था तो हमने पेमेंट किया था 317 रुपये 17 पैसे वैट, जबकि जब हमने सेल की है उस टाइम पे हमें जो मिला है वो 349 रुपीज़ 51 पैसे मिला है। तो 349 रुपीज़ 51 पैसे में से जब हम 317 रुपीज़ 17 पैसे माइनस करेंगे तो जो हमारा अमाउंट बचेगा वो है 32 रुपीज़ 34 पैसे, और यही हमारा होगा बैलेंस वैट पेबल, यानी कि वैट का जो पेमेंट होगा वो इसी का होगा। ओके, तो अब हम इसी में से पेमेंट भी करना सीख लेते हैं, यहीं से किस तरह से पेमेंट होगा। जब ये पेड हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है वैट पेड, तो ये वैट पेड जहाँ लिखा है इसके आगे पेमेंट लिखकर आ जाएगा, यानी जो अमाउंट हम पेड करेंगे, और जो बैलेंस वैट पेड है वैट पेबल है ये यहाँ से हट जाएगा। ओके,
ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम करते हैं इसकी पेमेंट की एंट्री। हम यहीं से इसको स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करके इसकी एंट्री कर सकते हैं या फिर पेमेंट वाउचर में जाकर भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं से कर रही हूँ स्टार्ट पेमेंट की एंट्री, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है स्टेटरी पेमेंट। इसमें हमने वैट सेलेक्ट कर लिया है और हम जो एंट्री कर रहे हैं वो 1 अप्रैल to 1 जुलाई। जैसे कि हमने बताया कि हम 6 मंथ्स पर या फिर 3 मंथ्स पर भी वैट पेड कर सकते हैं, और कभी हम मंथली भी पेड करते हैं। तो यहाँ मैं 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग पेड कर रही हूँ, तो इसलिए हमने 1 जुलाई रख लिया है और ये रेगुलर पेमेंट है। और यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपकी दिखाई देनी, यानी कि इनपुट वैट 12% के हिसाब से 288 रुपीज़ था, जबकि 5% के हिसाब से 29 रुपीज़ 17 पैसे था। आउटपुट वैट जो था, यानी कि जो सेल पे लगा था, वो 312 रुपीज़ था, और आउटपुट वैट जो 5% था वो 37 रुपीज़ 51 पैसे था। तो इनके अमाउंट के हिसाब से ये 32 रुपीज़ 34 पैसे जो हम वहाँ पर देख रहे थे वैट पेबल में, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा ऑटोमेटिकली। हमने यहाँ कुछ भी नहीं, तो क्योंकि बना हुआ है तो हम यहीं से इसको ले लेते हैं। और अगर आपको इसमें देखना हो कि और कुछ हमने डाला है, और कुछ तो नहीं डाला है, बैंक अकाउंट है, और यहाँ पर हम चाहें तो ये सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, आगे के लिए अच्छा रहेगा। बट अभी क्योंकि हम सिंपली यहाँ पर करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए दिखा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है उसमें चेक नंबर पड़ता है, तो वो चेक नंबर डाल देंगे, और डेट हमारी क्योंकि 1 जुलाई को हम कर रहे हैं तो ये 1 जुलाई पड़ जाएगी। नरेशन भी यहाँ डालनी हो तो हम डाल सकते हैं, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको कि वैट बैलेंस वैट पेबल हमारा ब्लैंक हो गया है, और वैट पेड जो है वो 32 रुपीज़ 34 पैसे दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारी पेमेंट की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम बहुत इजीली परचेज सेल और पेड कर सकते हैं वैट के लिए। वैट की एंट्री एक और तरह से की जाती है, जिसमें कुछ और डिफरेंसेस हैं जो इन एंट्रीज़ में रह गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि वो तीनों ही चीज़ें, यानी कि परचेज सेल और उसकी एंट्री, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट करके एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो और आपको इधर उधर ना जाना पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप उसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई होंगी, तो वहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।